वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पे एमपी जीके के टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड्स होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जिसका आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट मध्य प्रदेश के मकबरे और समाधि। फ्रेंड्स, 8 से 9 टॉपिक मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सुपरफास्ट एमपी जीके करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर अभी तक किसी ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो वो उस लिंक पे जाके वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के मकबरे और समाधि, मैंने इसकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था कि टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को इसकी टेस्ट सीरीज लूँगी, तो वो मैंने स्टार्ट कर दी है, जो कि होती है 9:30 बजे, ठीक है। रात के 9:30 बजे इसकी टेस्ट सीरीज़ होती है फ्रेंड्स। कल इसका फर्स्ट डे था तो बहुत लोग जुड़े हुए थे, बहुत लोगों ने दिया आंसर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी ये टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हमारे साथ 9:30 बजे टेस्ट सीरीज़ में जुड़ जाइएगा। साथ में बता दूं मैं कि हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड है, जैसे MPSI और कॉन्स्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियोज़ भी अपलोड है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको वीडियोज़ ढूंढने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। फ्रेंड, जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के मकबरे और समाधि। चलिए सबसे पहले शिवपुरी में कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। शिवपुरी में है महारानी शारदा राजे सिंधिया, माधवराज सिंधिया, तात्या तोपे की समाधि और पीर बुदान का मकबरा, ठीक है। फ्रेंड्स, किसके मकबरे और समाधि है तो वो है शिवपुरी में किस किसकी, महारानी शारदा राजे सिंधिया, ठीक है, माधवराज सिंधिया, तात्या तोपे की समाधि भी शिवपुरी में और पीर बुदान का मकबरा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पीर बुदान का मेल जब आपको मेले बढ़ाए थे, जब आपको बताया भी था कि पीर बुदान का मेला कहाँ लगता है, शिवपुरी में, और याद करने का तरीका भी बताया था कि तो आप वो वीडियोस देखिएगा। मैंने हर वीडियो में कोई ना कोई मैंने याद करने के तरीके कुछ ना कुछ बताया, और आपको हमेशा कहा है कि आप वर्ड्स को रिलेट करके याद करा करिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सुपरफास्ट MPG के, वो पिछले वीडियोस देखिएगा, उसके बाद आगे आगे टॉपिक वाइज आप लोग बढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो पीर बुदान का मकबरा भी कहाँ है, शिवपुरी में, ये चारों शिवपुरी में है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है ग्वालियर में, तो ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा, मोहम्मद गोस का मकबरा, जो कि तानसेन के गुरु थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तानसेन के गुरु कौन थे, तो वो है मोहम्मद गोस, ठीक है। मोहम्मद गोस तानसेन के गुरु थे, और इनका मकबरा भी तानसेन के मकबरे का ग्वालियर में ही है, जैसे तानसेन जी का मकबरा भी ग्वालियर में, और मोहम्मद गोस का मकबरा भी ग्वालियर में। साथ में रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई, इन दोनों के मकबरे भी आपको ग्वालियर में ही मिलेंगे, ठीक है। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहेली थी, तो उनका मकबरा भी कहाँ है, ग्वालियर में ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तानसेन और मोहम्मद गोस के मकबरे भी ग्वालियर, और रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई भी ग्वालियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मांडू, ठीक है। फ्रेंड्स, मांडू में है हुशंग शाह का मकबरा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हुशंग शाह का मकबरा कहाँ है, तो वो है मांडू में, ठीक है। और दूसरा है अब्दुल्ला शाह चंगेज़, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अब्दुल्ला शाह चंगेज़ का मकबरा कहाँ है, तो वो भी मांडू में। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जो जो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत बार जो क्वेश्चन मकबरे के पूछे जाते हैं, उनको लेके मैंने नोट्स रेडी किए हैं। बहुत से ऐसे मकबरे भी होते हैं जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज़ में कवर कर लेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली रिपीट होते हैं, उसको मैंने लिया है, ठीक है। तो हुशंग शाह और अब्दुल्ला शाह चंगेज़ का मकबरा कहाँ है, मांडू में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब है मंडला, ठीक है। मंडला में है रानी अवंती बाई और रानी गिरधारी बाई, याद रखिएगा, मंडला में है रानी अवंती बाई और रानी गिरधारी बाई का मकबरा, ठीक है। मंडला में मैंने आपको एक तरीका बताया कि मंडला को आप कैसे याद कर सकते, मंडलाना, मतलब जो भी इधर उधर घूमता है, उस मंडलाने वर्ड से आप मंडला की जो भी चीज़ें उनको याद कर सकते हैं, तो आप अवंती बाई और गिरधारी बाई मंडलाती रहती है, ऐसा आप याद कर सकते हैं। फ्रेंड, जो भी मैं आपको वर्ड्स रिलेटेड बताती हूँ, वो सिर्फ हमें याद करने के लिए रहता है, एक्चुअल फैक्ट्स ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैं बस आपको ये चीज़ें बताती हूँ जिनसे आपको याद रह सके। चलिए आगे देखते हैं, आगे है बुरहानपुर, ठीक है। बुरहानपुर में है मुमताज महल और दौलत खां लोधी, ठीक है। मुमताज महल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुमताज महल का भी यहाँ पे क्या है, मकबरा है बुरहानपुर में, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, और दौलत खां लोधी, इनका मकबरा भी कहाँ है, बुरहानपुर में, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मुमताज महल और दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ पर है, बुरहानपुर। चलिए आगे देखते हैं,
आगे है भोपाल, ठीक है फ्रेंड्स, भोपाल में है नवाब सिद्दी हसन खां। नवाब सिद्दी हसन खां का मकबरा कहाँ है? भोपाल में है, ठीक है, याद रखिएगा नवाब सिद्दी हसन खां। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के बाद कॉपी लेके बैठिएगा और पूरे वीडियो को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद लर्न कीजिएगा, ठीक है, नोट्स बना के ही लर्न कीजिएगा ताकि जब आप उसको रिवाइज करें तो आप अपनी कॉपी से रिवाइज करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा और जल्दी रिवाइज भी हो जाएगा और ईजी पड़ेगा आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर टिक करने में। चलिए भोपाल में हो गया नवाब सिद्दी हसन खां। अब है अब एक एक जगह के, तो आलमपुर, ठीक है, भिंड के आलमपुर में मल्हार राव होलकर की समाधि। बहुत बार ऑप्शन में सिर्फ भिंड भी आ जाता है लेकिन भिंड के अलावा आलमपुर भी आ जाता है, आजकल ये जिले के अलावा अंदर से भी पूछता है इसीलिए हमें बिल्कुल याद करना है कि मल्हार राव होलकर की समाधि है भिंड जिले के आलमपुर में, ठीक है, मल्हार राव होलकर की समाधि आलमपुर। चलिए आगे देखते हैं, चलिए फ्रेंड्स आगे है सीहोर, कुंवर चैन सिंह, ठीक है, कुंवर चैन सिंह का मकबरा कहाँ पे है? फ्रेंड्स सीहोर में है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कुंवर चैन सिंह का मकबरा है सीहोर में। चलिए आगे देखते हैं, जबलपुर, जबलपुर में है रानी दुर्गावती। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स ये वाला भी, जबलपुर में है रानी दुर्गावती, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रानी दुर्गावती का मकबरा कहाँ है? जबलपुर में है। तो और अगला है रावणखेड़ी, यानी जो खरगोन का रावणखेड़ी है उसमें पेशवा बाजीराव का मकबरा, ठीक है, तो खरगोन भी लिख सकता है लेकिन बहुत बार वो रावणखेड़ी भी लिख के दे देता है तो हमें पूरा डीप में याद करना है कि पेशवा बाजीराव का मकबरा कहाँ है? खरगोन रावणखेड़ी में, ठीक है, खरगोन के रावणखेड़ी में है, याद रखिएगा पेशवा बाजीराव रावणखेड़ी खरगोन। चलिए आगे देखते हैं, चंदेरी अशोकनगर, ठीक है, उसमें है बेजू बावरा। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स बहुत 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 बार पूछा जाता है, मैंने मोस्टली इनमें वही लिए हैं जिनमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मतलब ये तो रिपीट होते ही रहते हैं, इनको तो आपको याद करना ही, जो भी एक्स्ट्रा होंगे हम वो टेस्ट सीरीज में कंप्लीट कर लेंगे। तो 9:30 बजे हमारी टेस्ट सीरीज होती है फ्रेंड्स, उसे मिस मत कीजिएगा क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए चंदेरी अशोकनगर कहाँ कि में कहाँ सा है? बेजू बाबरा का मकबरा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए होशंगाबाद, होशंगाबाद में है काना बाबा, काना बाबा का मकबरा है होशंगाबाद में, ठीक है, ये भी पूछा जाता है काना बाबा का मकबरा कहाँ है? तो वो है होशंगाबाद में, ठीक है, याद करने के बाद जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपका लर्निंग और अच्छा हो जाएगा और आपका बिल्कुल टॉपिक एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट है फ्रेंड्स दुबेला, दुबेला में है महाराजा छत्रसाल की समाधि, ठीक है, महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ पे है? दुबेला में है, तो ये भी याद रखिएगा महाराजा छत्रसाल की समाधि है दुबेला में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मकबरे और समाधि थी फ्रेंड जो मैंने वीडियो में कवर की थी, जो भी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते एक या दो बार उनको मैं अपनी टेस्ट सीरीज में कवर करूंगी, ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा 9:30 बजे लाइव सेशन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, टेस्ट सीरीज का। लेकिन अगर आप नहीं बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आप उसकी टेस्ट सीरीज बाद में लगा सकते हैं, ठीक है। और भी अगर मिक्स क्वेश्चन की है तो और भी हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज बनी है एमपी जीके की, जीएस की, साइंस की, सबकी लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 170 प्लस वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, सारे आपके काम के ही है, तो सारे वीडियोस आप देखिएगा, सबकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है, वीडियो जैसा भी लगा हो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में ताकि वो भी हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़ सके, एमपी जीके पढ़ सके। और जल्दी हमारे चैनल पे एमपीएसआई की लाइव तैयारी शुरू होने वाली है, ठीक है, तो वो आप उसमें भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। चलिए फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।